बुन्नू खान किधर हैं? बुन्नू खान जी यहाँ है। सलाम अलैकुम। अब मैं बारबेक्यू आइटम्स लेकर आए हैं, आप में बारबेक्यू आइटम्स बुद्धू खां के बारबेक्यू आइटम्स जो बहुत ही मशहूर हैं। जब भी हमें कभी डाइटिंग करनी होती है और हमें हमेशा डाइटिंग में हम जो है वो ये बारबेक्यू आइटम्स खा रहे होते हैं क्योंकि रोटी चीनी चावल के बगैर ही खाने में मज़ा आता है, तो बुद्धू खां का ही रुख करते हैं। मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन को घर में वो वाला फ्लेवर आए जो आप के पास रेस्टोरेंट में आता है। इंशाल्लाह देंगे आपको, है ना? सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ बताएंगे, कोई छुपानी नहीं है, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। यार माइक चाहिए मुझे, ऑडियंस तुम लोग माइक दे दो वरना उनकी आवाज नहीं आएगी ना हम तक। हाँ जी, कौन मसाले वसाले कौन बताएगा? मैं बता देता हूँ। ये माइक आप पकड़ लें। मसाले लगाएगा कौन? लगाएगा, मैरिनेट करेगा मेरा शेफ। अच्छा, बस करीब करें माइक थोड़ा सा ताकि आपकी आवाज़ हमें सही आए प्रॉपरली। जी शेफ भाई आगे आए, आइए मुलाहिज़ा फरमाइए, क्या बना रहे हैं सबसे पहले? सीख कबाब बना रहे हैं। आपको भी माइक नहीं है माशाल्लाह, आप क्या करें? चालू नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम चालू करवा लेते हैं, फिक्र नहीं करें। जी आप क्या बना रहे हैं सबसे पहले? एक किलो सीख कबाब बना देते हैं। एक किलो सीख कबाब जी। ये मतलब बीफ के बनेंगे मटन के? क्या बीफ के होते हैं सर? बीफ के ज्यादा होते हैं जी। मटन के भी बनाते हैं जैसे हम जी, मटन के भी होते हैं। इसके भी जैसे बकरा ईद अभी आ जाएगी कुछ दिनों जी, में स्पेशल मटन भी होते हैं, मटन भी होते हैं। तो अभी हम बीफ के सिखा रहे हैं लोगों को। अभी बीफ आपको बनाकर नहीं, अभी किसके सिखा रहे हैं? बीफ के। बीफ के चलिए भी शुरुआत करें, क्या क्या मसाला क्या डालेगा? आ जाए जी बताएं। इसमें देखें ये है लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, कचरी है, ठीक है, और अपना अदरक लहसुन है। ये हम आपको मैरिनेट करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। इन सब का पेस्ट बनाएंगे पहले हम इसको, इन चीज़ों का अपना मसाला बन जाएगा सब मिक्स होके, उसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको एक घंटा हमने फ्रीजर रखना होता है। अच्छा, ताकि ये ठंडक पहुंच जाए, कम अच्छी तरीके से जब्स हो जाए। अच्छा, एक घंटा फ्रीजर करना, फ्रिज नहीं फ्रीजर जी। गेटे पे आप लोग। अच्छा आप इस तरफ आइए, मसाले आप जैसे जैसे डालते जाएंगे मुझे बताते जाइए जी। इसमें कुछ मिक्स हुआ है, इसमें क्या पपीता लगा हुआ है? नहीं, इसमें वो जी वो हरी मिर्च है। हरी मिर्च लगाते हो? क्यों हरी मिर्च क्यों लगाते हैं? हरी मिर्च थोड़ा सा टेस्ट के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले मसाला लगाने सब मसाले के साथ हरी मिर्च डालते हैं? नहीं, ये आपने कब से लगाई हुई है? ये अभी लगाई है, अभी जब मशीन से निकालते हैं ना उसमें एक दो हरी मिर्च डाल देते हैं टेस्ट के लिए। मशीन में ही? मशीन में साथ ही पिस जाता है, साथ ही पिस जाता है, अंदर गोश्त अंदर तक टेस्ट अंदर तक हो जाए। ये भी टिप, सेकेंड टिप, ठीक है बारबेक्यू आइटम के लिए, ठीक है। अच्छा जी भैया आप शुरू करें, आप क्या क्या मिला रहे हैं? ये एक किलो तो नहीं है, तो बहुत सारा है, ज्यादा तो एक किलो बताएं। हाँ क्योंकि हम घर में थोड़ी इतना सारा बनाएंगे, एक किलो निकाल लें और उसके हिसाब से मसाले। सुने इनके माइक खुला दें तो मैं कैसे, अजीब सा लगेगा। दे दे हाथ में दे दे, है कोई और माइक? अच्छा नहीं, मुझे माइक ये इस तरह पकड़ना है ना तो वो कभी आवाज आ रही कहीं नहीं। इसमें तकरीबन ये नमक, एक नमक, एक चाय का चम्मच नमक, ठीक है, ये काफी, ठीक है। काश कोई ऐसी चीज होती कि मक्खियां ना आती। और ये कचरी है जी, ये कचरी होती है जी, इसको थोड़ा नरम करने के लिए होती है ये, ठीक है, कबाब नरम हो जाए। हाँ कुछ लोग कच्चा पपीता भी लगाते, ज्यादा बेहतर क्या है, कच्चा पपीता के कचरी? कच्चा पपीता नहीं, वो गोले कबाब में होता है, जो होता है जी धागे वाला कबाब। अच्छा, उसको ऊपर धागा लगाना पड़ता है, लेकिन कचरी पाउडर बेस्ट है जी, ये बेस्ट, ये टी स्पून है। अच्छा देखिए हम लोग घर में पता क्या गलती करते हैं, हम कच्चा पपीता इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जब हम सीख कबाब रखते हैं सीख के नो बारबेक्यू करने वो गिरते हैं वो गिर जाए, यही गलती। ये क्या डाला आपने? ये मिर्ची और गरम मसाला मिक्स है। ये बताए ना प्लीज। हाँ मिर्ची मतलब क्या? लाल मिर्ची जी, लाल मिर्च, लाल मिर्ची को गरम मसाले में मिक्स किया। हाँ जी हाँ, और गरम मसाला वही जो लाइक बना बनाया होता है पिसा हुआ? जी पिसा हुआ होता है। अच्छा कबाब का मसाला। तो ये कितना डाला आपने इसमें? ये तकरीबन डेढ़ चम्मच डाल दिया, डेढ़ चम्मच, ठीक है। अच्छा आपने डाला गरम मसाला और लाल मिर्च पिसी हुई एक साथ जी, ठीक है, फिर आपने कचरी पाउडर डाला, नमक डाला जी, अभी तीन चीजें डाली हाँ जी, फिर बस
और कुछ नहीं मिलाएंगे इसके अलावा, इसमें और कुछ नहीं डालना है। नींबू शीमू सिरका विरका कुछ नहीं मिलता। कबाब में नहीं डालते नींबू, कबाब में नहीं डालते। ठीक है, ठीक है, बस इसको मिक्स किया। हरी मिर्चें आपने पहले ही पिसते हुए पिसने के दौरान डाल दी थी। जी थोड़ी डाली, मतलब ज्यादा मसाले, फिर एग्जैक्टली वही सेम चीज, ज्यादा मसाले नहीं है। गोश्त का अपना फ्लेवर भी आता है, हम लोग गलती करते हैं, इतने मसाले भर देते हैं, शक्ल ही चेंज हो जाती है। ये क्या है? घी है जी। अच्छा, घी जरूर घी भी डालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, थोड़ा घी। ओ तकरीबन कितना घी डालेंगे एक किलो में आप? बस ये दो चम्मच, दो खाने के चम्मच। ठीक है, ठीक है, ये सीख वक्त तैयार है, तैयार है। ये मैंने मिक्स करी, मिक्स, हाँ मिक्स करके शक्ल दिखाएं जरा इसकी कैसे। इतना करेंगे इसमें लसा, क्या कीमे में लसा आ जाए। अच्छा इतना इसको हाथ से मैरिनेट मैरिनेट करना है कि इसमें लस आ जाए। हाथ के साथ हथेली से करना पड़ता है। अच्छा, और ग्लास पहने तो अच्छा नहीं तो ये मिर्ची आपकी ना कितने दिनों तक हाथों में बस्सी रहती है, स्मेल नहीं जाती है। बिल्कुल, इसको मैरिनेट करना पड़ता है, इतना मिलाना पड़ता है कि इसके अंदर लस आ जाए, ताकि कबाब भरने में चिकनाहटपन रहे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, कैसे मिक्स कर बहुत से लोग ऐसा करते हैं, घर में जाता है ऐसा होता है, रूखा कीमा होता है, वो तो हमारा कबाब बन नहीं रहा। वो थोड़ा सा इसमें घी डालना पड़ता है। अच्छा। और जब ये सिखाई होती है तो घी जो होता है वो नीचे बह जाता है। अच्छा। फिर सिर्फ कबाब रह जाता है कीमे का। अच्छा, तो इसलिए मुट्ठी बना बना के प्रॉपरली सही से मसाला और लस आए। अब वो लस क्या है, मैंने पहली दफा ये वर्ड सुना है, तो मैं देखूंगी लस क्या है। चिकनाहट आ जाती है इसको, इसको जो है ना हथेलियों से इसको रगड़ना पड़ता है, और इतना रगड़े के नीचे वो बर्तन के अंदर चिकनाहट पता चले कि हाँ भाई इसमें चिकनाहट आ गई है। फिर इसको कबाब भरने में फिर वो चिपकता नहीं, हाथों पे भी नहीं चिपकता और सीख पे भी नहीं चिपकता। वो जब उतारना होता है आराम से नीचे उतर जाता है। बहुत से लोग ये पूरा रूखा कीमा है, इसमें थोड़ी सी चर्बी नहीं, 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 थोड़ा रूखा है, मामूली सी जो होती है, मामूली सी चर्बी होती है, बिल्कुल मामूली। अच्छा, पूरे रूखे कीमे कबाब कभी नहीं बनेगा, ना ठहरेगा। ओके, ये भी टिप है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा आप मुझे जैसे रेशियो बता सकते हैं कि एक किलो अगर कीमा है तो उसमें चर्बी थोड़ी सी कितनी? आधी चम्मच या एक चम्मच? आधी या एक चम्मच जी। वो तो ऊपर है कि कीमा ज्यादा रूखा है तो फिर एक चम्मच डालते हैं, तो आधा चम्मच उसके अंदर डालनी पड़ती है। अच्छा, ये कैसे, क्या मतलब कि ज्यादा रखा हुआ अगर होगा तो ज्यादा रूखा होगा आप कह रहे हैं? नहीं, ज्यादा व्हाइट जिसमें चर्बी वगैरह साफ कर देंगे ना वो रूखा हो जाता है, व्हाइटनेस सारी खत्म हो जाती है, जो चर्बी होती है। अच्छा, वो रूखा की मजा, उसके थोड़ी सी चर्बी मोटी वाली डालनी पड़ती है, पट्टे नहीं डालने पड़ते। अच्छा अच्छा अच्छा, मामूली सी डालनी पड़ती है। जब कबाब बनता है ना सिखाई में, वो सारी चर्बी घुल जाती है, नीचे निकल जाती है। अच्छा 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 अच्छा, और ठीक है, अभी देखे काफी देर से ये। और बहुत से लोग ये करते हैं कि बड़ा कबाब बनाते हैं, अंदर से कच्चा रह जाता है, ऊपर से जल जाता है, तो ज्यादा बड़े कबाब, ज्यादा बड़े कबाब नहीं खाने चाहिए। बकौल डॉक्टर, सीख है आपके पास? सीख मेरे है, वो मैं अभी मंगा लेता हूँ। ठीक है, तो वो जो है फिर वो चिपकने के बाद जो है ना, जब अगर घी डाला होता है तो फिर चिपकता नहीं सीख पे। सीख किधर रखी है? सीख मंगा दें जरा, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि कबाब कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, कबाब की कितनी लंबाई होनी चाहिए ताकि वो खराब ना हो, काबू में रहे, वरना काबू में नहीं रहता। काबू में नहीं रहता। हाँ, ब्रेक के बाद मैं आपके सामने एक दफा वापस आऊंगी। और ये अभी तक मिक्स करें, अभी और कितनी देर तक मिक्स करेंगे? अभी तो करते रहे ना, ब्रेक पे जा रहे हैं हम। मैं ब्रेक के बाद आके आपको बताऊंगी उन्होंने कितनी देर तक मिक्स किया, और फिर मैं सीख के साथ आपको कबाब का डायामीटर वगैरह सब कुछ बताऊंगी, उसकी लेंथ, उसकी थिकनेस, के ताकि आपकी बकरीद अभी से आप तैयारी करें और अभी से सीखना शुरू कर दें। बुद्धू खां पे इस वक्त हम आपको सिखा रहे हैं सीख कबाब प्रॉपरली कैसे बने, जो बिल्कुल जायका उसका बुद्धू खां जैसा आए। और हम मैं बताती हूँ मैं क्या गलती करती हूँ सीख कबाब में। मैं गलती करती हूँ कच्चा पपीता मिला देती हूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं, डब्बे के मसाले के पीछे रेसिपी लिखी होती है, इसमें कच्चा पपीता या कचरी पाउडर मिला दें। अब हमें लगता है कि कचरी पाउडर तो चलो मसाला है, हम क्यों ना हम वो खालिस कच्चा पपीता इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जितना लाल गोश्त आप लेकर आए हैं उतना ही हम लेकर आए, हमने बहुत ज़्यादा फैट उसमें मिला दिया होता है, बहुत ज़्यादा फैट मिला हुआ होता है बहुत, और मिक्स नहीं करते। जिस तरह नहीं करते, मैरिनेट दिखाएं जरा, इसमें लस आ गया, मैरिनेट करने के बाद ये जरा मुझे यहाँ रख के दिखाएं सर, ये देखिए। अब जरा एक में हाथ से उठाएं, लस क्या होता है बताएं? ये बिल्कुल चिपक गया, ये चिपक आ गया, जान आ गई इसमें। अच्छा, ओके, जैसे हाथ से इन्होंने, इतना हाथ में टेम्परेचर होता है ऑब्वियसली, उससे जब मिक्स किया है तो ये वाला सूरत हाल आनी चाहिए। अब आप इसे सीख पे लगाएंगे तो हम देखेंगे कि आप
अच्छा, उसके बाद एक घंटा फ्रीजर में आपने रखने को कहा। फ्रीजर में लाजमी, हमने तो रखा नहीं, गिर जाता है फिर कबाब। हमने रखा नहीं, लेकिन हम चलो अभी खाली वो बता रहे साइज इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने खाए हैं आप लोगों के बड़े पतले पतले से होते हैं। और इसको इतना रखना पड़ता है कि मुट्ठी के अंदर जब हो जाए गोश कीमा जो है। अच्छा, मतलब मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी के अंदर। अच्छा, इतना मुट्ठी मुट्ठी आ जाए। लोग भर के भर जाते नहीं, हमने यूं करके बिल्कुल उंगली पतले पतले चारों उंगली साफ कर जाता है। कितनी बारीक है। अच्छा, सीखों के भी साइजेस होते हैं? नहीं, सीखों के भी साइज होते हैं, ये बड़े साइज चौड़ाने चौड़ाने की होती है लंबाई, तो आप लंबाई मीठी होगी इतना कर लेंगे आप। ठीक है, ठीक है। और इसका अब इसको हम जब सिखाई करेंगे अंदर से भी पक जाएगा, ऊपर से पक जाएगा, जलेगा नहीं। घर में ऐसा होता है कि आप लोग हीट ज्यादा रखते हैं, लेकिन उसकी वजह से ऊपर से जल जाता है, अंदर से कच्चा रह जाए। और भारी कबाब होता है, अंदर कच्चा रह जाएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। जब उसमें कच्चेपन की आएगी, फिर आप बोलेंगे इसमें स्मेल आ रही है, ठीक है, किसी चीज अपना ही आ रही है। हाँ। और फिर वो आप लोग उसको पसंद नहीं करते। हाँ, 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 हाँ। और हमारा कबाब की फायदा ये है कि आप मुंह में रखेंगे घुल जाएगा। अच्छा, उसकी क्या टेक्निक क्या है? उसकी टेक्निक है, एक तो मसाले हमारे। अच्छा, और फिर ये कि इसका साइज नॉर्मल होता है। अच्छा, ज्यादा। अच्छा, आप दूसरे में जो है चर्बी ज्यादा होती है, गोश्त साफ नहीं होता। इसका साइज आप देख लें, और दूसरे डेप्थ और जगह पे जो है ना गोश्त घर में जो है वो साफ सही नहीं होता। हम लोग अपना पूरा सही साफ करके अपने हिसाब से बनाते हैं, उसे मैरिनेट करते हैं, उसके बाद आप इसको खाएं घुल जाएगा। एक दर्जन कबाब फ्री बंदा आराम से खा लेता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइज ये होता है। ठीक है, समझ आ गया। और आप दूसरे घर में जो बनाते हैं वो होते हैं बड़े, वो आप एक कबाब भी पूरा सा नहीं खा सकते। ठीक है। और इस कबाब का मजे की बात यह है कि आप इसको पराठे के अंदर, चपाती के अंदर थोड़ा सा छलाद चटनी रख के रोल बना के खाएं, उसका ज्यादा टेस्ट है। आप बाहर से लेते हैं, बाहर से बेहतर आप घर में बना। घर में बनाए। अगर आपका बिल फर्ज कबाब नहीं रुका है, आप कीमा फ्राई करें थोड़ा सा, उसका आप चपाती में पराठे में रख के रोल बना लें, उसका टेस्ट देखें। इसका और टेस्ट का मजा लेना है तो इसको कढ़ाई के अंदर कीमा डालें, उसके अंदर आप थोड़ा सा एक अंडा फेंट के डाल के वो डाल दें। हाँ। उसको हल्का कच्चा पक्का करके उसको फिर दोबारा दम पे लगा के उसको खाएं, देखें कैसा मजा आता है। ये जाया होने वाला कीमा नहीं है। अगर आपके घर में भी अगर आपको नहीं लग रहा है तो उसका तरीका यही है कि आप उसको कढ़ाई में, अक्सर होता है ना आप कीमा बहुत बना देते हैं और सीखें इतनी बनती नहीं है। तो ये कीमा जाया करने से बेहतर है आप करें, अंडा डालो कढ़ाई में और फटाफट दम कीमा बना लें, दम कीमा, और उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारे खाने से आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। या आप खाएं, आप बाजार का खाना खाएंगे, ठीक है, कबाब खाएंगे, घर का भी खाएंगे ना, आपको उसके अंदर आप लोग को मैरिनेट सही नहीं होता। हाँ, हाँ, सिखाई सही नहीं होती। ठीक है, जाने जबरदस्त भी आपके पास।